खेत में से इनके पिताजी है जी, ये ड्यूटी पे आए देखो जी अभी हैं, ड्यूटी पे आए। कितने घंटे की ड्यूटी करे आए जी आज? 4-5 घंटे की या 6 घंटे की? सुबह से ही तो डेली चले जाओ सुबह ही हैं। तो भाइयों किसान की ये जिंदगी मेहनत करना और अपने परिवार का पेट भरना, ये इनके पिताजी हैं जी। अंकल जी नाम बता दो थोड़ा सा किसान भाइयों का अपना। जी जी, ये मकान बड़ा सुंदर बना रखा गांव के, लिखते पढ़ते भी नहीं गए, मकान हो तो प्रधान जी जैसा। तो दोस्तों ये हमारे अंकल जी हैं जी, चौधरी साहब है, अपना जाट परिवार से है जी। बड़ा सुंदर मकान बनाया किसान ने गांव के अंदर, ठीक है। और ये देख लो भाइयों, तो बब्बा जी के टाइम से जो जमीन है जी बढ़ाई जी आपने ना, अपने पिताजी के टाइम से दुगनी कर दी। तो कुछ कहना चाहोगे किसान भाइयों के लिए, कैसा है बढ़ावा अपने पिताजी की जमीन? दुगनी कर दी हमने, और किससे ज्यादा क्या करे। अब बारदाना देख भाई, बारदाना तो आपको दिख रहा होगा, अंकल जी के भैंस है, गाय है। अच्छा ट्रैक्टर तो लेते रहो, बदलते रहो, तीन बदले जी, नए। जी जी, तो ये देख सकते भाइयों, साथ साथ अपना खेती बाड़ी करते हो गांव के अंदर रह गए, किसान ही है जी अपना, ठीक है जी। और हम तो ये चाहते हैं जो हमारे भाई है गांव की जमीन ना छोड़े, गांव के अंदर ही मकान बनाओ, जैसे इन्होंने बना रखा, आसपास के लोग भी देखे कि प्रधान जी का मकान है। नहीं शहर में भी फ्लोटर यहां, अच्छा मोदीपुरम भी है। अच्छा शहर में भी आपके? हाँ। तो भाइयों शहर के अंदर भी है अंकल जी के, और ये सब आज इन्होंने अपनी मेहनत करी खेती में, उसकी बदौलत है। कृषि यंत्र आप देख ही सकते हैं कितने सारे कृषि यंत्र है जी, ठीक है जी। बड़ा अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा परिवार है। तो बाबा जी के टाइम में घोड़ी पोड़ी बैल वैल सब रहे? सब चीज। तो भाइयों नमस्कार, भाइयों बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल किसान योद्ध में, ठीक है। और भाइयों आज मैं पहुंचा हूँ एक किसान के घर पे, जिनका नाम आर्यवीर जी है, और ये भाई ने बड़ी सुंदर कोठी बनाई हुई है, कुत्ता भी पाल रखा। देखो कैसे देख रहा, ये देखो कैसे देख रहा जी, ये अभी लिखा है, ये भाई है। नमस्कार भैया, एक बार किसान भाई को अपना परिचय दे दो। मेरा नाम प्रशांत देसवाल है। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम आर्यवीर जी। भैया तो बात करें तो जैसे मकान है आपका, कितने बीघे में है ये? दो बीघे में। और देखो भाई ये कुत्ता भी पाल रखा, इस पर लेकर रखा, यहाँ पे कुत्ते रहते हैं दो पिटबुल के, ये भाई आपने क्यों पाल रखे? हाँ जी, वहाँ कोई बाप साहब है तो थोड़ा हो रहा है। तो भैया आप क्या करते हैं जैसे, मतलब? मैं भैया बी फार्मा करता हूँ, बीएससी कर रहा हूँ। जी जी। और भाइयों जाट परिवार है ये देख सकते हैं, और ये देखो भाई पहले आपको इनके कृषि यंत्र दिखाऊंगा। ये इधर साइड में भैया के पशुधन है जी, ये देख लो जी। तो इधर साइड में भैया आपके पशुधन है। तो बब्बा जी के टाइम पे तो बहुत भैंसे रहती होगी जैसे, मतलब है ना? हाँ जी, अब भी फालतू हो रहे डंगर तो ये थोड़े। जी जी, तो ये दूध दे रही है सारी ये? हाँ जी दूध दे रही है। तो भाई ये हरियाणा नस्ल की है भैंस, ठीक है जी। ये देखो टक्कर मारने के लिए बेताब है, गरीब पास हुआ एक बार, सिंह ऐसा मारूंगी दिल्ली में जाकर पड़ेगा, है ठीक है जी। और ये देखो अभी भैया जी क्या भैंस है, ये देखो उसको, ये देखो सैनी के नखरे, ये देखो अभी देख रही थोड़ी सी। और उधर साइड में भैया का करडा है जी, ये देखो भाई थोड़ी टक्कर मार रहे, ठीक है। और इधर साइड में हमारे भाई का ये मकान है, ठीक है। तो जस्ट इधर साइड में करडा देख रहा भैया, रेसर है कैसे, मतलब ये? हाँ जी बढ़िया। अच्छा, तो जैसे नहान वगैरह को लेके जाया करो जैसे? ना वैसे तो ना भगत हम पर ही होया अपना। अच्छा, अपना शौक के लिए रख रखा, ठीक है। नाम वगैरह भी रख रखा कुछ इसका जैसे? जैसे मैं देख रहा हूँ ये आपके इतने सारे पशुधन हैं, जैसे घर में भैंसे हैं, ये बब्बू जी के टाइम से है जैसे, मतलब? हाँ जी पहले से। जी जी, तो कभी पहले से शौक है। इधर साइड में हमारे भैया की गाड़ी है, ट्रैक्टर है, सब दिखाऊंगे। और इधर साइड में कृषि यंत्र है जी, सब चीज देखने लायक है। तो एक बार भैया अपना जो मकान है एक बार विजिट करा दो। ये क्या चीज़ है, बैठक क्या? देखा जी, तो किसान भाइयों ये देख सकते हैं, ये इधर साइड में बैठक है जी, मेहमानों का कमरा है ना भैया? हाँ, कोई बाहर का भी आदमी आता है। ये देखो एसी भी लग रही है जी, ठीक है, बड़ी सुंदर बैठक है। और अभी मैं आपको भैया का मकान विजिट करके दिखाऊंगा, ठीक है जी। ये देख सकते हैं बड़ा सुंदर मकान बनाया हुआ है। तो आपके जो पिताजी हैं इधर बैठे हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे, ठीक है जी। ये देख सकते हैं, ये देखो भाई बड़ा सुंदर मकान है जी, आपको सारे दिखाएंगे। ये हमारे अंकल जी हैं। अंकल जी नमस्कार, एक बार किसान भाइयों को थोड़ा सा अपना परिचय दे दो जी। आपका नाम जी? मेरा नाम आर्यवीर है। पिताजी का नाम जी? पिताजी का नाम वीरेंद्र सिंह। जी जी, तो बात करें तो आप कितने भाई हो जी? जैसे अच्छा, जैसे अंकल जी मैं देख रहा जैसे आपके पास में जैसे पशुधन है, जैसे ट्रैक्टर ट्रॉली कृषि यंत्र है, ये सब बब्बा जी के टाइम से जैसे, मतलब? अच्छा, उनके टाइम पे तो घोड़ी बैल वैल सब रहे होंगे ना? अपनी याद में तो देखे होंगे आपने ना? हाँ। तो दोस्तों ये देख सकते हैं ये मकान है, जैसे लगभग कितनी जगह में होगा? लगभग ये 2 बीघे में। 2 बीघे में बनाए?
अच्छा पीछे कहीं का बाग है जी? ये कितनी जगह में पीछे जो बाग है? एक बीघे में जी। जी, और भाई अपना साथ साथ खेती बाड़ी करते हैं अंकल जी, है ना जी? जी, ये आपकी माँ है ना? हाँ जी। राम राम, और ठीक हो? माँ जी नाम बता दो थोड़ा सा किसान भाइयों को। माँ जी नाम आपका? अच्छा, कौन से गाँव की हो माँ जी? लखनौती। ये माँ जी लखनौती की है जी, ठीक है। ये माँ जी है तो मथुरा वृंदन घूमी आई? मथुरा वथरा है अब कह रहे भैया आप कलाऊंगा घूम गाओ, मथुरा वथरा तो घूम गया माँ जी, बढ़िया जगह है घूम गाओ। तो दोस्तों ये हमारी माँ जी है, ठीक है जी। और एक भैया के पास ट्रैक्टर है जी, फार्म टैक्स 60 है भैया, कौन सा है? 45। इससे पहले भी कोई ट्रैक्टर रखा जैसे मतलब? महिंद्रा का। इससे पहले ही सर का। अच्छा, तो मजा ऐसा हुआ चलाने में? हाँ जी, इसमें तो पावर स्टीयरिंग है। और भाइयों देख लो बाइक, देख लो भाई, भाई तुम्हारी है? पल्सर बाइक है, चौधरी लिख रहा जाट के ठाट हुक्कर खाट, ठीक है जी, पल्सर बाइक है जी, ठीक है, 220 cc में। और मैं आपको ट्रैक्टर दिखा दूँ, ये देख सकते हैं, ये हमारे भैया का ट्रैक्टर है जी, ठीक है जी, और बढ़िया ट्रैक्टर है जी। और इससे पहले भी बहुत ट्रैक्टर रखे होंगे जी? अच्छा, तो ये शौक पहले से है ट्रैक्टरों का? मज़ा किस में है, फार्म टैक में या महिंद्रा में? बाप तो इसमें जी, वैसे पावर स्टीयरिंग। अच्छा, बढ़िया काम करे खेती में। तो भाइयों किसानों का राजा है, और पंजाबी जो लोग हैं उनके पास भी ज़्यादातर फार्म टैक ही मिला है, ठीक है जी। और अभी हम आपको अंकल जी का जो मकान ऊपर से भी दिखाएंगे, ठीक है, ये देख सकते, जितने कमरे नीचे इतने ऊपर है भैया। अच्छा, तो दोस्तों आपको ऊपर से दिखाते हैं, आ जाइए भैया। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, भैया हमारी गैल में है, ठीक है जी, और बातचीत करेंगे अभी भैया सर, ठीक है, अंकल जी भी साथ में हैं। और ठीक है, दो दो कुत्ते पाल रखे आपने? अच्छा, ये देखो भैया, इसका क्या नाम है? ये डिम्सी। क्या? डिम्सी। ये पिल्ला है? हाँ, एक पिल्ला दियो भैया इसका जो। अच्छा, बस बैठ, कद को भी आओगे जैसे? अच्छा अच्छा, तो भाई पिल्ला जरूर लेंगे इसका। तो इधर साइड में बाथरूम है? अच्छा, यहाँ पे आपकी फैमिली रहती है इधर साइड में, ये देख सकते हैं, ये हमारे भैया का मकान। पिल्लू बस बैठ जा, ये देखो भाई। तो कुत्ते भी पहले से रखते होंगे जैसे? देखो भाई, कहाँ पूरा मन है? अच्छा, तो दोस्तों इधर साइड से देख सकते हैं, ये किचन है जी, रसोई घर जैसे गांव देहात में होता है जी, ठीक है, एक कमरा ये रहा जी, ठीक है। यहाँ पे आंटी राम राम, ये आंटी जी हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज मैं भैया की फैमिली के बीच में आया, वो सबसे बड़ी बात, अपना सादगी का जीवन व्यतीत करते हैं गांव के अंदर रह के, खेती बाड़ी करते हैं अंकल जी, है ना, अपना खेती बाड़ी जो बब्बा जी की धरोहर है उसको संभाल रहे हैं जी। तो दोस्तों ऊपर भी एक छोटी सी बैठक है, ठीक है जी, ये है बब्बा जी, ये है ना आपके पिताजी? नहीं, ये बड़े बाबा जी हमारे, बड़े बाबा जी। अच्छा, इनका क्या नाम था बाबा जी? इनका लखीराम सिंह। लखीराम, और जो इधर है ये इनके बाबा जी हैं। ये इनके बाबा जी। अच्छा, ये तो बड़ी मौज मौज सकते थे। अच्छा, दोनों को शौक था मौज करने का? देखो भाई कितनी सुंदर जोड़ी है, इनके पिताजी इधर साइड में, ठीक है, और भाई बड़े बुजुर्गों से कुछ सीखने को मिलता है। ये आपके गुरु जी? तो आपके गुरु जी है ना ये? तो दोस्तों ये कथा सुनाते हैं, तो आपके माँ जी को भी लाओ जी घुमा के। हाँ जी माँ जी। तो दोस्तों देख सकते हैं इधर साइड में भैया सारा परिवार आपका ये है ना? हाँ जी, हाँ जी। सारा परिवार भैया का उधर साइड में, ठीक है। तो दोस्तों ये जो घर मैंने आपको दिखाया भैया का घर है जी, बड़ा सुंदर बना रखा है, लगभग 2 से 3 बीघे में। अभी मैं आपको भैया का बाग भी दिखा दूंगा, पल्ली साइड में थोड़ा सा, ठीक है। इंगे से रास्ता इंगो से, ये अच्छा ये गेट पे से। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, तो भाई हम तो ये चाहते हैं जो अपने किसान भाई है बड़े बुढ़ों की जमीन छोड़ कर ना जाए, और गांव देहात के अंदर ही मकान बना हुआ, तो बड़ा अच्छा लगा आज परिवार से मिलकर। ये देखो भाइयों जिन्ना कितना बढ़िया बनवा रखा, ठीक है जी। तो दोस्तों बहुत ही सज्जन किसान हैं, और बहुत कम ऐसे किसान होते हैं जो अपने बब्बा जी की जो जमीन है उसको बढ़ा कर रखते हैं जी। तो बात कर रहे थे अंकल जी जमीन, उसके बाद अपने पिताजी के टाइम से जो जमीन है बढ़ाई बढ़ाई है, उसके बाद बढ़ाई बढ़ाई है ना, तो आज के टाइम पर कितनी जमीन हो रही है? 100 से ऊपर माने? अच्छा, तो बब्बा जी के टाइम से आपने बढ़ाई बढ़ाई है। तो दोस्तों यही संदेश देना चाहेंगे, युवा साथी को कुछ संदेश देना चाहोगे कैसे तरक्की करे भैया, कुछ कहना चाहोगे युवा साथी के लिए? अपना खेती की जमीन बेचो ना, अपनी मेहनत करो। हाँ भैया, और गाँव की जमीन छोड़ देना जाओ। तो दोस्तों भैया भी ये कहना चाहते हैं कि अपना जो गांव की जो जमीन है उसे छोड़ के ना जावे कोई किसान, ठीक है, और मेहनत करते रहना चाहिए। भैया अपना बाग और दिखा दो पीछे से थोड़ा सा,
ये किसी सब तरह का बाग बो रखा है इसमें? हाँ जी, इसमें लीची वगैरह। अच्छा, जैसे इसमें ठेके पे देते हो कैसे मतलब? नहीं जी अपने खाने पीने में। अच्छा यार, रिश्तेदारी में पूछा दो हमें, कितने बीघे का होगा? सारी जगह आपकी हो वैसे? ये देखो भाई, थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको भैया का, चलो आ जाओ। ये भैया का बाग भी दिखाते हैं जो कि लगभग एक डेढ़ दो बीघा में है। ठीक है, ये देख लो, ये घर के जस्ट पीछे ही है जी। ठीक है, ये जगह भैया की है सारी। ठीक है, इधर साइड में ही बाग लगाया हुआ है। ये देखो, आम का, अमरूद के पेड़ भी हैं, लीची के भी है कुछ। ठीक है, तो किसान भाइयों, आज मैं भैया से मिला, काफ़ी अच्छा परिवार लगा। ठीक है जी, और बहुत ही अच्छा लगा इनसे मिल के। खेत में से इनके पिताजी है जी, एक ड्यूटी पे आए, देखो जी अभी हैं ड्यूटी पे आए। कितने घंटे की ड्यूटी करे आए जी आज? चार पाँच घंटे की या छः घंटे की? सुबह से ही है तो डेली चले जाओ सुबह ही है। तो भाइयों, किसान की जिंदगी मेहनत करना और अपने परिवार का पेट भरना, ये इनके पिताजी हैं जी। अंकल जी, नाम बता दो थोड़ा सा किसान भाइयों का अपना। जी जी, ये मकान बड़ा सुंदर बना रखा गांव के, लिखते पढ़ते भी नहीं मकान हो तो प्रधान जी जैसा। तो दोस्तों, ये हमारे अंकल जी हैं जी, चौधरी साहब है, अपना जाट परिवार से हैं जी। बड़ा सुंदर मकान बनाया किसान ने गांव के अंदर। ठीक है, और ये देख लो भाइयों, तो बब्बा जी हर के टाइम से जो जमीन है जी, बढ़ाई बढ़ाई जी आपने ना, अपने पिताजी के टाइम से दुगनी कर दी। दुगनी कर दी, तो कुछ कहना चाहोगे किसान भाइयों के लिए, कैसा है बढ़ावा अपने पिताजी की जमीन? देख भाई, बारदाना तो आपको दिख रहा होगा, अंकल जी के भैंस हैं, गाय हैं। पहले तो, ट्रैक्टर ले लिया, नया लिया, नया कार्ड का लाए जी। कितने का पड़ गया ट्रैक्टर? अच्छा, ट्रैक्टर तो लेते रहो, बदलते रहो। तीन बदले जी, नए नए। जी जी, तो ये देख सकते भाइयों, साथ साथ अपना खेती बाड़ी करते हो गांव के अंदर रह के, किसान ही है जी अपना। ठीक है जी, और हम तो ये चाहते हैं जो हमारे भाई है, गांव की जमीन ना छोड़े और गांव के अंदर ही मकान बनाए, जैसे इन्होंने बना रखा। आसपास के लोग भी देखे कि प्रधान जी का मकान है। नहीं, शहर में भी प्लॉट और यहाँ। अच्छा अच्छा, मोदीपुरम भी है। अच्छा, शहर में भी आपके? हाँ। तो भाइयों, शहर के अंदर भी है अंकल जी के, और ये सब आज इन्होंने अपनी मेहनत करी खेती में, उसकी बदौलत है। कृषि यंत्र आप देख ही सकते हैं, कितने सारे कृषि यंत्र है जी। ठीक है जी, बड़ा अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा परिवार है। तो बब्बा जी के टाइम में घोड़ी पोड़ी बैल बैल सब रहे, सब चीज, ये घेर था आपका? दो बीघे जमीन फिर पीछे ली हो? दो बीघे पीछे ली है, इस सार का सारा बाग ही नहीं गया जो सामने अभी आपको दिखाया। ठीक है जी, और भाइयों, आज मजा आ गया जी परिवार से मिलकर। वीडियो शेयर कर दिया, राम राम।